हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे बड़ी बात की अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बनता है, तीन चीज़ें बनती हैं क्या क्या। एक बनता है रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना जरूरी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फर्क क्या होता है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके की कैश बुक का तरीका, समरी ऑफ कैश बुक समझ लो। जितने भी रिसिप्ट तुम्हें साल भर में मिले हैं, जितने भी पेमेंट्स तुमने साल भर में किए हैं, हम सब कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। पर अगर पैसे आए हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख लेंगे, पैसे गए हैं तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख लेंगे। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर हम लोग तभी लिखेंगे जब वो एक्रू हुई होगी ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट्स ऑफ वेजेस पेड तुमने 2 साल के कर दिए हैं तो तुम पेमेंट्स में वेजेस पेड 2 साल के लिख दोगी, बट एक्सपेंडिचर में तुम सिर्फ उसी साल का वेजेस पेड लिखोगी जिस साल का एक्रू हुआ है, और बचा हुआ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। लेकिन ये तो लिखेंगे ना इनकम पेड इन एडवांस, बैलेंस शीट में सैलरी पेड इन एडवांस, बैलेंस शीट। हाँ वो तो बैलेंस, समझ रही हो। हाँ क्या अब हमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें दिया होगा और हमें उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 है, इसका मतलब हमें तो जितने भी खर्चे 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक के होंगे, मतलब एक साल हो गया, सिर्फ वही हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग सिर्फ कितना रिकॉर्ड करेंगे, 1 अप्रैल 2018 to 31 मार्च 2019। और एक चीज़ और ध्यान रख लो, कैश टू कैश इन हैंड, टू कैश एट बैंक, बाई कैश इन हैंड, बाई कैश एट बैंक, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता इनकम, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इस वजह से वो नहीं आता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से भी हमें छांटना होगा कि नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से हैं, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, ठीक है। अब जैसे कि सब्सक्रिप्शन 2017-18 का है, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि ये इस साल का है ही नहीं हमें, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 to 31 मार्च 2019 का लिखना है सिर्फ। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अरे जैसे कि कोई क्लब चल रहा है, ठीक है, इसमें मेंबर सब्सक्रिप्शन होता है, वो हुआ, ठीक है, एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं होते। अब ये 2018-19 है, क्या ये आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रख लो, अगर 2018-19 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल 2018 to 31 मार्च 2019, ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब लिखा है 2019 to 20, क्या ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, गुड। ये कहाँ जाना चाहिए, अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। वाई बैलेंस शीट में जाएगा, एडवांस में हमें मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, अगले साल का भी हमें अभी मिल गया। अब देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लो, अगर कोई डोनेशन हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है, समझ आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें हमें डोनेशन किस चीज़ के लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए मिला है, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिल रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या आएगा, नहीं आएगा, लाइबिलिटी है। हाँ लाइबिलिटी है, बिकॉज हमें उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, हम लाइबल है कि हम उसी पर्पस के लिए वो हम। एंट्रेंस फीस, देखो इसके क्योंकि हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि जो एंट्रेंस फीस है और एडमिशन फीस है ये हम एज पर ISC गाइडलाइंस हम कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि अगर एक इंसान एक बार आ रहा है, वो एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो एंट्रेंस फीस देगा। अब वो इंसान एक तरीके से हमारा फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि वो बाद में और भी कई तरीके की फ़ीस हमें देगा, ठीक है। बट कुछ लोग का मानना यह है जो ISC गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं, उनका मानना यह है कि हम एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। वाई, क्योंकि लोग एंटर साल भर में होते रहते हैं, तो ये दो तरीके के प्रकार हैं एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस के। आप लोग का जो भी बोर्ड हो, जो भी आपके बोर्ड की गाइडलाइंस बोले, आप वो फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ISC गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस आर टू बी कैपिटलाइज, हेंस दे आर एडेड टू द कैपिटल फंड। कहाँ ऐड होते हैं, कैपिटल फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। Is it clear everybody? It seems so. Okay. Life membership fee कौन बताओ? Common sense से बताओ कहाँ जाना चाहिए? Life membership fee. Liability क्यों? क्योंकि इंसान आ रहा है life long के लिए आ रहा है, अब हम उसके लिए liable हैं, हमें उसको serve करना है, उसने पैसे दे दिए जिंदगी भर के लिए। अच्छा हाँ ठीक है। To interest nominal है, lockers rent nominal है, क्योंकि एक तरीके की income हो रही है ना। क्या बचा, हाँ payments, printing and stationery, एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस, रेंट, रेट एंड टैक्स एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, कोरियर वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब एक्सपेंस हो गया है ना। बट परचेज ऑफ फर्नीचर क्या ये एक्सपेंस है,
हाँ एसेट खरीद रहे हैं ना, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एग्जैक्टली क्या कैश इन हैंड और कैश इन बैंक आना चाहिए? नो क्यों? क्योंकि ये क्या है, बैलेंस शीट वाले आइटम्स है ना, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा क्योंकि ये कैश इन हैंड नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ क्लियर।